और पता ही नहीं चला कि डीएम साहब क्या हैं, डीडी साहब क्या हैं। लग रहा था कि बहुत बहुत बेहतर लग रहा था। और हम मनेर से हैं, मनेर प्रमुख पति हुए हैं। मेरे ब्लॉक के अंदर बीपीआरओ और बीडीओ साहब में सहमति न बनने के कारण आज तक एक भी योजना नहीं खुला। बहुत से जनप्रतिनिधियों को रात में भ्रमण के लिए दूर दराज गाँवों में जाना पड़ता है, तो हम डीएम साहब से आग्रह भी किए हैं कि सब लोग को लाइसेंस अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाए, जिससे कि भाई वो अपने जान माल की सुरक्षा कर सके। सर से बातें तो हुई हमारी, पर हमें उम्मीद नहीं दिखा कुछ की सॉल्व हो जाएगा, पर सर ने हम लोग से साक्ष्य मांगा है, तो साक्ष्य के साथ हम अपना लेटर उन्हें देंगे। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। इस वक्त हम पटना डीएम ऑफिस के बाहर मौजूद है, जहां पर पटना जिले के सभी प्रमुख जो हैं वो मुलाकात करने के लिए आए थे, और अभी अभी इनकी मुलाकात जो है वो डीएम से हुई है। और डीएम ऑफिस के बाहर देखिए अभी भी ये बने हुए हैं। क्यों आज पटना के डीएम से मुलाकात करने की ज़रूरत पड़ी? क्या कुछ समस्याएं जो हैं, दिक्कत जो है स्थानीय स्तर पर आप लोगों को हो रही है? देखिए, पहले तो हम डीएम साहब को धन्यवाद देना चाहेंगे। डीएम साहब ने हमारे जिला के सभी प्रमुख को, बीपीआरओ को और हर एक बीडीओ को, सबको साथ में बुला के कोऑर्डिनेशन के लिए कि आपस में बढ़िया तालमेल हो, आपस में तालमेल रहे और विकास हो, और हर एक बिंदुवार सभी का समस्या सुना गया। और हमको उम्मीद है, लगता है कि बहुत बेहतर कोऑर्डिनेशन और बढ़ेगा जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी के बीच में। गैप है, आप मानते हैं? हम तो इन्हें मानते हैं, लेकिन लग रहा था कुछ लोगों को कि गैप है कुछ प्रखंडों में, लेकिन वहाँ जाने के बाद लगा कि इतना दम सरल हो गया, और पता ही नहीं चला कि डीएम साहब क्या हैं, डीडी साहब क्या हैं। लग रहा था कि बहुत बहुत बेहतर लग रहा था, और लगता है कि निश्चित रूप से बहुत बेहतर काम होगा। और डीएम साहब ने सबको निर्देश दिया है, पदाधिकारियों लोगों का। क्या निर्देश दिया? कि आप लोग प्रमुख लोगों की बात सुना जाए, माना जाए? बात सुनने की नहीं है, जो अपना जो विभाग कहता है, प्रोटोकॉल जो है, उसका अनुपालन तो सबको करना है, और सबकी जवाबदेही अपना अपना है, सबको समझना होगा। ये प्रोटोकॉल का जो हवाला दे रहे हैं, क्या प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा है, या उसमें दिक्कत आ रही है, या आप लोग नए चुन के आ रहे हैं, सामंजस्य बैठाने में दिक्कत आ रही है, तो इसलिए आप लोग डीएम साहब के पास? हम लोग के साथ कोई समस्या नहीं था, बीडीओ और बीपीआरओ के साथ समस्या हो रहा है, उनके सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, इसीलिए कोऑर्डिनेशन के लिए हम लोग का आज बैठक बुलाया गया है। बैठक से हम लोग भी संतुष्ट हैं, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि डीएम साहब के माध्यम से इसका निष्पादन हो, और डीएम साहब इतना जल्दी इनिशिएट लेके बैठक बुलाएं, उनके लिए इसके लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग भी चाहते हैं कि क्षेत्र में काम हो, काम करने के लिए आए हैं, हम तो काम करने के लिए चलिए अपना क्षेत्र के जनता के काम करने के लिए, उनको तो काम कराने के लिए महीना मिल रहा है, तब भी मैं उनके यहाँ से कोताही बरता जा रहा है, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो लोग बेहतर ढंग से काम करें, प्रखंड का विकास हो, सारे समस्याएं जो भी थी उसके लिए हम लोग डीएम साहब से लेटर के माध्यम से अवगत कराए हैं। साथ ही हमारे बहुत से जनप्रतिनिधियों को रात में भ्रमण के लिए दूर दराज गाँवों में जाना पड़ता है, तो हम डीएम साहब से आग्रह भी किए हैं कि सब लोग को लाइसेंस अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाए, जिससे कि भाई वो अपने जान माल की सुरक्षा कर सकें। लाइसेंस के लिए पटना जिले में कुल 23 प्रमुख हैं ना? हाँ, 23 प्रमुख हैं। 23 प्रमुख हैं, और आज इनकी पटना के डीएम के साथ मीटिंग हुई, कई मुद्दों पे चर्चा हुई, इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि इन्हें हथियार चाहिए अपने जान माल की सुरक्षा के लिए। हथियार भी चाहिए आप लोग? जी चाहिए, तो जान माल के सुरक्षा मुद्दा बोलिए। हम मनेर से हैं, मनेर प्रमुख पति हुए हैं। मेरे ब्लॉक के अंदर बीपीआरओ और बीडीओ साहब में सहमति न बनने के कारण आज तक एक भी योजना नहीं खुला, जिसके कारण बीडीओ साहब बताते हैं कि बीपीआरओ साहब का एक भी स्टाफ नहीं मिला है। स्टाफ मांगने से ये कहते हैं हमारे बीडीओ साहब, हमारे मनेर का जो हैं वो कहते हैं कि हम लोगों को क्या मिलेगा, वो लोग का आपसी कमीशन खोजते हैं। कमीशन न मिलने के कारण एक भी स्टाफ नहीं दिया गया बीपीआरओ साहब का, जो बीपीआरओ साहब काम नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा मुद्दा ये है कि बीपीआरओ साहब महीना का 20 दिन लाइन ऑर्डर ड्यूटी लग जाता है, जिसके कारण हम लोग को काम होने में विलम्ब होता है,
कोई भी योजना खोलने में विलम्ब होता है और 10 दिन ड्यूटी भी मिलता है ब्लॉक में इनका, तो कोई स्टाफ नहीं उनको है। वीडियो साहब चार चार स्टाफ लेकर अपना कैंपस में बैठे रहते हैं कुर्सी लगा के। चलिए, पटना जिले में 23 प्रमुख हैं और कई मुद्दों को लेकर समस्याएं आ रही है, सामंजस्य बैठाने में सरकारी पदाधिकारियों के साथ दिक्कत आ रही है। इन्हीं सब दिक्कतों को आज पटना के डीएम के समकक्ष पटना के 23 प्रमुखों ने रखा और डीएम साहब का जो रिस्पांस था बहुत ही पॉजिटिव था और समस्याओं को किस तरीके से हल हो इस पर उन्होंने ध्यान से सुना। बहरहाल अभी भी पटना के डीएम ऑफिस के बाहर जो हैं वो बने हुए हैं। और देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए देखिए महिला प्रमुख भी मौजूद है। देखिए, मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, हाल ही में चुनाव हुए, नतीजे आए, उम्मीद है लोगों की, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज डीएम के समक्ष अपनी बातों को रखा, उम्मीद है कि सब सॉल्व हो जाएगा। सर से बातें तो हुई हमारी, पर हमें उम्मीद नहीं दिखा कुछ कि सॉल्व हो जाएगा, पर सर ने हम लोग से साक्ष्य मांगा है तो साक्ष्य के साथ हम अपना लेटर उन्हें देंगे और फिर से उनसे अनुरोध करेंगे कि हमारे साथ न्याय हो। सरकारी पदाधिकारी उस रूप से बात नहीं मान रहे? हाँ, नहीं मानते हैं वो लोग, बात एकदम सुनते ही नहीं है, बिल्कुल अपनी मन की करते हैं। लेकिन सर ने कहा है, आदेश दिया है सब लोगों को कि सब लोग मिलजुल कर काम कीजिए, तो देखते हैं कि कितना आगे होता है सही सही, उसके बाद फिर से हम लोग अनुरोध करेंगे उनसे, अगर नहीं सही सही हुआ तो। सरकारी पदाधिकारी बात नहीं मानेंगे तो बहुत दिक्कत होता होगा जनता की समस्याओं को हल करना। जी, बहुत दिक्कत होता है, वो लोग कर्मी को भी एकदम ये करके रखे रहते हैं, कोई समय पर कर्मी नहीं आता है, आम जन को दिक्कत होता है, हमारे पास वो लोग आकर रोते हैं कि कोई सुनता नहीं है, कोई काम नहीं होता है, पूरा दिन वो लोग परेशान रहते हैं, कर्मी लोग समय पर नहीं आते कार्यालय में, और पूछने पर वो लोग बोलते हैं कि फील्ड में है, और फील्ड से रिलेटेड हम लोग जनप्रतिनिधि से बात करते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि यहाँ तो कोई आया ही नहीं। बात कह रही हैं महिला प्रमुख हैं, कह रही हैं कि पदाधिकारी जो है वो बात ही नहीं सुनते, सो इसलिए आज पटना के डीएम से पटना के जिले के सभी प्रमुख जो हैं वो मिलने के लिए आए थे। बहरहाल हम इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं।